भारतीय जनता पार्टी द्वारा केंद्र सरकार का 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर भाजपा संगठन द्वारा चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान के अंतर्गत बुधवार के दिन कृषि मंडी बागली परिसर में भाजपा संयुक्त मोर्चा का विधानसभा स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे, भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों द्वारा सभी मोर्चे के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन के कार्य योजना एवं सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से सभी मोर्चा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को कार्य करना है उस पर भी प्रकाश डाला गया। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। चल रहा है उसको और ज्यादा शक्तिशाली कैसे बनाए, हम लोग इसी के साथ स्वर्गीय जोशी जी ने आज बागली विधानसभा के संयुक्त मोर्चा का जो मीटिंग और कार्यक्रम रखा हम लोगों ने, उसमें हमारे सभी मोर्चे के साथ साथ महिला मोर्चा सबसे भारी है। हमारी बहनें बड़ी उत्साहित है, और क्योंकि लाडली बहना योजना और लाडली लक्ष्मी योजना से शिवराज जी से और मोदी जी से बहुत प्रभावित है। जल जीवन मिशन भी हम लोगों का बहुत प्रभावशील है। लगभग 400 करोड़ से ज़्यादा रुपए हमारे बागली विधानसभा में जल जीवन मिशन में खर्च हो रहे हैं। क्या संदेश दिया गया कार्यकर्ताओं को? कार्यकर्ताओं को यही संदेश दिया कि हमारे क्षेत्र में लगे तार जो 80 साल से जंक्शन के ज़माने से हम लोगों ने जो ऊर्जा पाई है, हमारे पूर्वजों ने जो ऊर्जा पाई है, स्वर्गीय कैलाश जी जोशी, स्वर्गीय राजमाता सिंधिया, उषाभाव ठाकरे, मदन लाल भास्कर, ऐसे कार्यकर्ताओं ने जो ऊर्जा हमको दी है, उस ऊर्जा से हम लोग बागली विधानसभा में लगातार कमल का फूल खिलाते आ रहे हैं, और आगे भी और जोश के साथ ज़्यादा मतों से बागली विधानसभा में हम लोग लगभग 1.5 लाख वोटों से जीतने का आह्वान दिया है हमारे कार्यकर्ताओं को, और युवा साथियों को भी इसी का आह्वान दिया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।